तो गाइस आज नया वीडियो लेके आया हूँ और आज का वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और आज मैं मिला हूँ दीपक भाई से जो जोमेटो में काम करते और उनकी ये यूलू की बाइक है, ठीक है। तो आज हम उनसे जानकारी लेंगे कि एक्चुअली वो उसका रेंट कितना होता है और डिपॉजिट कितना भरना है, फिर दिन में कितना कमा लेते, कितना घंटा काम करते। यूलू अभी मैंने कुछ ही मंथ पहले लिया है, जैसे कि okay. इसका रेंट भरना पड़ता है दिन का 200 रुपया है, पर हफ्ते का रिचार्ज मारना पड़ता है 1800 रुपया रहता है हफ्ते का, बट 200 रुपया डिपॉजिट रहेगा, अपना 1600 रुपया इसका भाड़ा रहेगा। मतलब 1600 रुपये जो है वो हफ्ते भर का डिपॉजिट रहता है, रिचार्ज रहता है, 200 रुपया अपना डिपॉजिट रहता है जो कि बाद में रिफंड हो जाएगा। ओके हाँ, 1600 रुपये जो है अपना गाड़ी का दिन का 200 रुपये के ऊपर कटते जाता है। और चाहिए तो आप 15 दिन का रिचार्ज कर सकते हैं, एक महीने का भी रिचार्ज कर सकते हैं, ऐसे अपने ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली लोग हफ्ते का करते हैं क्योंकि हफ्ते का इन्होंने पहले दे के रखा है। तो 1600 जो है वो रिटर्न मिलता है? 1600 रिटर्न नहीं मिलता है, हफ्ते में कटते जाता है 200 रुपये डिपॉजिट वाला है, वो 200 रुपये हर हफ्ते में रिटर्न, वो 1600-200 के हिसाब से हफ्ते भर का एकदम से ले लेते, हफ्ते भर का ले लेते हैं। और जो 200 रुपये डिपॉजिट रहता है हाँ, वो आपको जब छोड़ेंगे तो मिल जाएगा रिफंड। ओके ओके। और आप कितना घंटा काम करते हो दिन में? 10-11 घंटा काम करता हूँ डेली का जोमेटो में। ओके, और सैलरी कितना? सैलरी इसका फिक्स नहीं रहता, इसका बस ऑर्डर के ऊपर रहता है, जितना ऑर्डर मारेंगे उसके ऊपर रहता है। जैसे 8-10 घंटा करोगे तो 800-900 रुपये, मतलब घंटे के ऊपर 100-90 रुपये ऐसा अर्निंग होता है, ऑर्डर देने के ऊपर है, जितना ऑर्डर देंगे उतना अर्निंग होता है। और इसमें इंसेंटिव भी मिलते हैं? हाँ, इंसेंटिव है, अगर कुछ फेस्टिवल रहा तो उसका अलग इंसेंटिव मिलेगा, फिर उसके बाद अगर आप ऑर्डर पे ऑर्डर टारगेट पूरा करेंगे तो उसका अलग इंसेंटिव मिलेगा कंपनी की तरफ से। तो महीने का लगभग 30,000 हो जाता है? महीने का हो जाता है 25-30,000 रुपये तक हो जाता है। क्या बात है, क्या महीने के ऊपर है, तो उसका गाड़ी भाड़ा मिलाएंगे तो 22,000 रुपये बचते हाथ में। इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है, मैं भी ग्रेजुएट हो चुका हूँ। हाँ, 2 साल हो गया मैंने ग्रेजुएशन किए। क्या बात कर रहे हो, ग्रेजुएशन होने के बाद ही मैं जोमेटो ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिली। वही वही बहुत अच्छी है। और ये यूलू में अगर हम बैटरी अगर चार्ज करनी हो तो कैसे चार्ज करेंगे? इसका जगह जगह स्टेशन बनाया हुआ है बैटरी चेंज कराने का, आप जाओ वहाँ पे बैटरी स्वाइप कराओ और तुरंत निकल जाओ। अभी हम लोग विले पार्ले मुंबई में खड़े है, तो अगर नियरेस्ट सेंटर कहाँ पे होगा? नियरेस्ट सेंटर आपको ऐप में दिख जाएगा, नियरेस्ट जो भी आपका यूलू जोन रहेगा उसमें आपको दिख जाएगा कि बैटरी कहाँ पे अवेलेबल है, कितना घंटे के लिए है। अच्छा, उसको टाइमिंग दिखाएगा, आपको टोकन बुक करना पड़ेगा, टोकन बुक करने के बाद आप जाओ 15-20 मिनट में, आप एक बैटरी चेंज करो तुरंत निकल निकल जाओ। उसके लिए आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, अगर बैटरी 12% से कम रहेगी तो पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, अगर बैटरी 12% से ऊपर है तो आपको 20 रुपये पे करना पड़ेगा। 20 रुपया पे करना पड़ेगा। और ये एक चार्ज में कितने? एक चार्ज में 50 किलोमीटर मान लीजिए चली जाती है एक बार बैटरी चेंज करा के। ओके, और स्पीड कितना है? स्पीड 25 का इसका स्पीड है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाती है, तो इसके लिए हेलमेट लाइसेंस जरूरी नहीं है। लाइसेंस की जरूरत नहीं है? जरूरी नहीं है लाइसेंस हेलमेट। तो स्टूडेंट्स भी इसको चला सकते हैं? मतलब भी चला सकते हैं। हाँ, मोस्टली तो अभी रेंट में मिल रहा है। हाँ, गाड़ी तो निकल पड़ो तो सही है। और इसका कुछ मतलब इसका बैटरी कहाँ पे होता है? इसकी बैटरी इसके नीचे दिया हुआ है। निकाल सकते हो? नहीं निकल सकता, निकलता नहीं, वहाँ पे निकलते हैं सेंटर वाले खुलते हैं। अच्छा, स्कैन करने के बाद खुलता है क्या? स्कैन करेंगे सिर्फ वो लोग ही खोल सकते हैं, हम लोग के हाँ, नहीं तो कोई फ्रॉड भी कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। राइट राइट राइट। ओके, तो यूलू बाइक जो यूलू की डेक्स बाइक है एक्चुअली, और ये जो मतलब यूलू पहले ब्लू वाली यूलू थी, उसके बाद ये नई वाली यूलू आई है अभी। और इसका जो LED है वो भी ऑटोमेटिक ऑन होता है ना रात में? ऑन रहता है, अगर 10 मिनट तक इसको ऑन रखेंगे तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, अगर 10 मिनट तक चालू रहेगा गाड़ी और कोई यूज नहीं कर रहा 10 मिनट ऑटोमेटिक दोनों लाइट आगे पीछे का ब्रेक लाइट दोनों बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, गाड़ी चालू रहेगा, एक्सीलेटर देंगे तो गाड़ी चालू हो जाएगी। अब गाड़ी चालू बंद करना है सब मोबाइल से होता है, एप्लीकेशन से इसका दिया हुआ, गाड़ी ट्रैक करना है कहाँ पे, मतलब ऑन और ऑफ मोबाइल से दिया हुआ। ओके, उसके बाद आपको जो गाड़ी का लोकेशन क्या है लोकेशन भी आपको मोबाइल से मालूम पड़ जाता है, इसलिए हम लोग कुछ टेंशन नहीं रहता, गाड़ी चोरी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें लोकेशन GPS है तो इसलिए हम लोग गाड़ी कहीं भी जाएंगे गाड़ी चालू। चार्जिंग नहीं करेंगे चालू नहीं होगी, अगर चोरी भी हुई तो चार्ज करने के लिए उसको स्टेशन जाना पड़ेगा, स्टेशन जाना पड़ेगा, प्लस टोकन बुक करना पड़ता है, टोकन के बिना गाड़ी मिलेगी नहीं। जहाँ पे गाड़ी रहेगी हम लोग खुद ही पहुँच जाते हैं वहाँ पे गाड़ी देख के, स्टेशन देख के। चलो दीपक जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इससे इंस्पायर हो गए ताकि उनको एक पॉकेट मनी की हेल्प हो सके। पार्ट टाइम भी कर सकते हो, आप फुल टाइम भी कर सकते हो अपने करने के ऊपर। चलो बहुत अच्छा, थैंक यू दीपक भाई, धन्यवाद, बाय बाय। All right.